मतलब एक स्पीकर, यूपी के स्पीकर ने कहा है कि अगर कम कपड़े पहनने से महान बना जाता तो गांधी जी के समतुल्य होती राखी सावंत। तो ये बड़ा बयान है, आपको इस तरीके से वो किया जा रहा है, क्या कुछ आपका कहना है? सम्माननीय जो स्पीकर साहब है, तो मैं इनके ऊपर, तो मुझे एक गाना याद आ रहा है भाई। बताओ बताओ जरा। मुझे नहीं पता, मेरे पीछे सब लोग हाथ धो के निरमा सर्फ लेकर पड़ गए हैं, सारे मंत्री लोग, सारे पॉलिटिशियन। राखी का अंग अंग तड़का, इसलिए हिंदुस्तान का, यूपी का स्पीकर मुझ पर भड़का। ओ माय गॉड, मुझे इन पर सिर्फ हंसी ही आती है। इनको देश के लिए बोलना है, देश के लिए इनको काम करना है, ना कि उनकी आंखों को मेरे शरीर पर लगाना है कि मैं वस्त्र पहनती हूं या मैं निवस्त्र रहती हूं। स्पीकर साहब, आपने मुझे निवस्त्र कब देखा? आप तो समाज सेवी सेवा करते हैं ना, और आप पॉलिटिशियन हैं, और मेरे ख्याल से दादा परदादा की उम्र के हैं, तो आपको तो अपनी पोती के लिए लिहाज करना चाहिए थोड़ा सा, है ना? ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती स्पीकर साहब। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जनता आपको चुन के लाई है, आप स्पीकर है, इतने बड़े पोजीशन पे हैं, जनता के लिए काम कीजिए, ना कि मेरे वस्त्रों पर टिप्पणी कीजिए, प्लीज, ये आपके लिए बेहतर होगा। कि एक चीज़ मैंने पूरे लॉकडाउन में आपके हर दिन वीडियो देखे, मैंने देखा कि आप बहुत पॉजिटिव बातें कर रही हैं पूरा लॉकडाउन। रहती हूँ कि मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ, लोगों के लिए अच्छा सोचती हूँ। इवन मैं, माई ब्रदर राजीव और हम लोग ईश्वर के बच्चे हैं, और हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम देश का अच्छा चाहते, देश की जनता का अच्छा चाहते, हम देश से प्यार करते, हमारी जनता से प्यार करते, ईश्वर से प्यार करते, भले लोग हैं। लेकिन अब जैसे मिस्टर चड्ढा साहब जी ने भी कैसा झंडा लहराया था, मेरे लिए टिप्पणी करी थी कि मुझे सिद्धू जी को कंपेयर किया। कहाँ सिद्धू जी, कहाँ मैं? सिद्धू जी एक नेता हैं, मैं एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ। और जैसे हमारे जो ये स्पीकर साहब ने मुझे गांधी जी को कंपेयर किया, हमारे बापू ने हमें आज़ादी दिलाई और मैं एक एक्ट्रेस हूँ, तो आपका दिमाग कैसे ऐसे होता है? आप अनाज खाते हैं कि आप चारा खाते हैं? आप कैसे, आपका दिमाग में ये सारी बातें आती है? जैसे मेरे फेवरेट नेता जो है मोदी जी हैं, और मैं हमेशा मोदी जी का एक ही स्लोगन था भाई कि हर हर मोदी घर घर मोदी, ये तो बच्चा बच्चा जानते हैं, आप बहुत फेवरेट हैं मेरे। बट मुझे तो आजकल ऐसा लगने लगा है कि हर हर राखी घर घर राखी, भाई क्या हो रहा है ये? आप मुझे इतना पसंद करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। बट अरे स्पीकर साहब, चड्डा साहब, आप मेरे वस्त्र पे टिप्पणी तो ना कीजिए। मुझे पता है कि आपकी आंखें मेरे मुझ पर है। देश को संभालिए, देश की जनता को संभालिए, ना कि आप लोग दिन रात मेरे वीडियो देखकर। ये क्या कर रहे हैं आप? राखी, पहले कोई ऐसा कमेंट करता था तो आप बड़ा अलग तरीके से फटकारती थी, आजकल ना वो बड़े पॉजिटिव ढंग से फटकारती है, मतलब प्यार देती। पहले मैं बच्ची थी, अब मैं ग्रोन अप हो गई हूँ। पहले मुझे राजनीति नहीं आती थी, अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ गई हूँ भाई, क्योंकि मेरा भाई मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड रितेश मेरे साथ है। मैंने भी ट्वीट किया आपके लिए। हाँ हाँ मेरे हस्बैंड, बहुत मेरे हस्बैंड मुझे समझाया है कि भड़कने से कुछ नहीं होता है, इनको प्यार से ही समझाना पड़ेगा।